दिल्ली NCR में सोमवार से प्रचंड गर्मी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को हीट वेव चलने की आशंका जताई है, जिसे देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप निकलेगी। वहीं अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। इसके बाद देश में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिल्ली में भी देखने को मिलेगा और 20-21 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 40.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम सामान्य के आसपास 21.7 डिग्री सेल्सियस हुआ। दिल्ली में सोमवार यानी आज अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सोमवार को और मंगलवार को लू चलने की भी आशंका है। 20 और 21 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। 22 अप्रैल से सप्ताह के अंत तक मौसम साफ रहेगा। हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं नोएडा में सोमवार को अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सोमवार को मौसम साफ रहेगा, सिर्फ 20 अप्रैल को बादल छाने का अनुमान है। इसके अलावा पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की ही संभावना है। हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में सोमवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस सप्ताह मौसम साफ रहेगा। हफ्ते के अंत तक गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 45 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब श्रेणी में रिकॉर्ड हुआ है और 202 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं नोएडा का AQI खराब श्रेणी में है, 221 है, और गुरुग्राम का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है और 306 दर्ज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।